नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मंगलवार को झारखंड के रांची में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लोगों को बताया गया कि अब लोगों को अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए लोन मिलेगा और इसके साथ सब्सिडी का भी लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा। सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है, इससे न सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण होगा बल्कि बिजली का बिल भी कम आएगा। सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगवाने के लिए SBI, CDB, PNB जैसे बैंक लोन देंगे। घरेलू सौर ऊर्जा प्लांट के लिए 40% हिस्सा सरकार सब्सिडी देगी और औद्योगिक सौर ऊर्जा प्लांट के लिए 10%। फिलहाल सौर ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड पूरे देश में 15वें स्थान पर है। झारखंड राज्य सरकार की ऊर्जा सचिव वंदना डांडेल ने कार्यक्रम में कहा कि कोयला आधारित प्लांट ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे। राज्य में 90% बिजली का उत्पादन कोयला के जरिए होता है। वंदना ने कहा कि इसका स्थायी समापन करना पड़ेगा। 2022 तक 75 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है और हम धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहे हैं। झारखंड में 150 मेगावाट क्षमता का सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट निर्माण कार्य चल रहा है। 500 गीगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल सोलर रूफ टॉप प्लांट से 20 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ढेर सारी खबरें देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करें।